हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज फिर से हाजिर हूँ मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो लेकर। कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ मेरे स्ट्रॉबेरी के पौधे और उनको गर्मियों में कैसे आप केयर करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरे नए नए वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए, मैं आप लोगों को मेरे स्ट्रॉबेरी के पौधे के पास लेकर के चलती हूँ। पहले इन दोनों बदमाशों को देख लीजिए। जैसे ही मैं बालकनी में आती हूँ, ये दोनों जो है अपनी बदमाशियाँ करने शुरू हो जाती है ना। ये देखिए मेरे स्ट्रॉबेरी के पौधे, और मेरे पास जो है चार स्ट्रॉबेरी के पौधे हैं। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये एक, दो और ये तीन और ये चार। तो दोस्तों, मेरे पास दो वैरायटी के स्ट्रॉबेरी के पौधे हैं। एक ये हैं, ये दार्जिलिंग वैरायटी के हैं और इनमें जो है लेट फ्रूटिंग होती है। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए अभी फ्रूटिंग हो रही है। और ये जो फ्रूटिंग हो रही है, ये इनकी जो है फर्स्ट फ्रूटिंग है। पूरी विंटर भर में इसमें जो है फ्रूटिंग नहीं हुई है। इसकी पत्तियाँ देखिए आप, ये जो है बहुत बड़े पत्तियाँ हैं इसके। ये देखिए तो बहुत बड़े बड़े पत्तियाँ हैं और फ्रूट्स भी देखिए ये जो है अब तक मैच्योर नहीं हुए हैं और फ्रूट्स का साइज भी बहुत बड़ा है। तो मैंने जब नर्सरी से ये पौधा ख़रीदा था तब नर्सरी वाले ने कहा था कि ये जो है गर्मियों में भी फ्रूटिंग करने वाली है। तो अभी तो इसने फ्रूटिंग करना शुरू किया है, देखते हैं आगे समर में ये फ्रूटिंग करती है कि नहीं। तो इस वैरायटी के मेरे पास दो पौधे हैं, एक ये है और दूसरी जो है ये है। तो ये देखिए, इसमें भी फ्रूटिंग हो रही है और बहुत सारे इसमें फ्लावर बड्स भी आए हुए हैं। और इसकी भी पत्तियाँ आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी बड़ी है। तो इसकी पत्तियाँ लगभग मेरे हाथ के समान ही हैं, आप देख सकते हैं। और दूसरी वैरायटी ये वाली है मेरे पास, और इसने मुझे पूरे विंटर भर में मुझे जो है स्ट्रॉबेरीज दिए हैं। अभी भी आप देख सकते हैं, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत स्ट्रॉबेरीज यहाँ पर पकी हुई हैं। कुछ जो है अभी भी छोटे हैं और कुछ फ्लावर बड्स भी हैं। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर फ्लावर बड्स भी है। तो इनमें जो है जब भी फ्रूटिंग होती है 6-7 स्ट्रॉबेरी एक साथ आते हैं। और इस वैरायटी के भी मेरे पास दो पौधे हैं, एक ये है और दूसरा जो है दूसरा ये है। तो अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा मैंने स्ट्रॉबेरी हार्वेस्टिंग की भी वीडियो मैंने डाली थी। ये देखिए, तो उनमें जो है मैंने दिखाई थी स्ट्रॉबेरी की हार्वेस्टिंग करके। तो पूरे विंटर भर में इन दोनों पौधे ने जो है मुझे बहुत सारे स्ट्रॉबेरीज दिए हैं। हमेशा ही 3-4 एक साथ पक जाते हैं। तो दोनों पौधों में से मुझे 5-6 स्ट्रॉबेरीज एक साथ हार्वेस्ट करने को मिलते हैं। और अभी मैं आप लोगों को इसके कुछ ज़रूरी टिप्स के बारे में बताती हूँ जो कि आप लोगों को समर में ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको जो है स्ट्रॉबेरी के पौधे की मल्चिंग करनी चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो धान होता है उसका जो हे होता है उसी से मैंने जो है मल्चिंग कर रखी है। स्ट्रॉबेरी के पौधे में मल्चिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये देखिए ये जो फ्रूट्स है ये इस तरीके से अगर आप मल्चिंग नहीं करते तो डायरेक्ट जो है मिट्टी के साथ इनका संपर्क होता है तो इनमें फंगस लगने के चांसेस होते हैं। ये फ्रूट सड़ जाते हैं और पूरा पौधा जो है पूरे पौधे में जो है फंगस लग जाते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत स्ट्रॉबेरी है ये। तो आप जो मार्केट से स्ट्रॉबेरीज लाते हैं वो कच्चे रहते ही तोड़ देते हैं, इसीलिए वो थोड़े खट्टे लगते हैं। देखिए ये देखिए इसकी कलर देखिए थोड़ी सी जो है मैरून होने वाली है अभी, तब ये पूरी तरह से पक जाएगी और इससे जो है मीठी मीठी सी खुशबू आने लगेगी। उस वक्त अगर आप इसको तोड़ते हैं तो इसकी जो है मिठास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से जो है आप घर में बहुत ही आसानी से स्ट्रॉबेरी का पौधा लगा सकते हैं। और अगर आप 20
से स्ट्रॉबेरी ग्रो करने के सोच रहे हैं तो बेहतर यही होगा कि फर्स्ट टाइम अगर आप स्ट्रॉबेरी ग्रो कर रहे हैं तो किसी नर्सरी से आप पौधा ला करके लगाएं, क्योंकि अगर आप स्टोर से खरीदे वाले स्ट्रॉबेरी से बीज निकाल करके, मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये जो बीज है ये बीज पूरी जो है रेड हो चुके हैं, पक चुके हैं। तो ऐसे पौधों में उगने वाले, जो आपके घर में उगने वाले स्ट्रॉबेरी होते हैं, उनके बीज से अगर आप पौधे उगाते हैं तो बहुत ही आसानी से उग जाती है। लेकिन अगर आप स्टोर से लाने वाले जो स्ट्रॉबेरीज होते हैं उनमें से बीज निकाल करके आप पौधे उगाते हैं तो उनमें से पौधे नहीं निकलते हैं, क्योंकि वो कच्चे रहते ही तोड़ लिए जाते हैं। तो इसीलिए जो है आपको ये इन बातों का ध्यान रखना है। और दोस्तों, ये मल्चिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और पहले मैंने जो है विंटर में इन्हें धूप में रखा हुआ था, बट अभी जैसे जैसे समर आती जा रही है, मैंने ये देखिए अपने बालकनी में जो है अंदर की तरफ मैंने यहाँ पर ये स्ट्रॉबेरी के जो पॉट्स हैं, हैंगिंग पॉट्स हैं, इनको मैंने यहाँ पर टांग दिया है। क्योंकि अगर मैं इन्हें जो है धूप में रखती तो फिर ये इनके जो पत्ते हैं ये जल जाते। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, देखिए ये पत्ता जल चुका है थोड़ा सा। तो अगर आप इनको गर्मियों में धूप में रख देते हैं डायरेक्ट, तो इनके पत्ते जो हैं धीरे धीरे सूखने लगते हैं, जल जाते हैं। जैसे कि ये बर्ड्स आप देखिए, ये एक दिन थोड़ी सी मैंने इसको धूप में रख दिया था, देखिए ये जो बर्ड है ये साइड से जल चुका है। तो ऐसे अगर आप धूप में रख देते हैं तो ये जल जाते हैं, तो आपको ऐसे जगह पर रखना है। देखिए यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है इनको शाम की एक डेढ़ घंटे की हल्की धूप मिल जाती है। तो ओवरऑल जो है आप देख सकते हैं पौधे का ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। सारे जो पौधे हैं सबके ग्रोथ बहुत ही अच्छे हैं। तो आपको जो है गर्मी, जैसे कि गर्मियाँ आती हैं, आप लोग को इनको थोड़े से शहरी जगह में रखनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो तीसरी बात है वो ये है कि आपको स्ट्रॉबेरी के पौधे में पानी डालते वक्त ये ध्यान में रखना है, इस तरह से आप जो है अपनी उंगली डाल करके आप मिट्टी में देखिए, इस तरह से मिट्टी आपके उंगली में आती है, इसका मतलब इसको पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है अभी। तो अगर ये ऊपर से सूख जाती है तभी आप इसको पानी डालिए, और पानी इसको गर्मियों में लगभग रोज़ाना लगता है। तो आप इसको एक बार मिट्टी को चेक करके फिर पानी डालिए, अच्छे से इसको पानी डाल दीजिए। और जो चौथी बात है वो ये कि आप जिस भी पॉट में इसको लगा रहे हैं, इसके लिए बहुत बड़ी साइज़ की पॉट नहीं चाहिए होती है, ये देखिए न्यू ग्रोथ भी हो रही है, तो इसके लिए बहुत बड़ी साइज़ की पॉट नहीं चाहिए होती है। एक छोटी सी पॉट में ही मैंने इसको जो है हैंगिंग पॉट में लगा रखा है, और ये लगातार मुझे फ्रूटिंग दे रही है। तो आप छोटे से पॉट में ही इसको उगा सकते हैं, लेकिन इस बात की ध्यान रखनी है दोस्तों, इसके नीचे से जो है आपको ड्रेनेज बना करके रखनी है। देखिए बहुत सारे ड्रेनेज होल मैंने इसमें बना रखी है, तो जैसे ही आप पानी ऊपर से डालते हैं पानी जो है नीचे से निकल आनी चाहिए। और इसकी मिट्टी जो है आपको बहुत ही ज़्यादा पौड़ा उस मिट्टी पसंद है इसको, अच्छी वेल ड्रेन सॉइल इसको पसंद है। तो इसमें जो मिट्टी आप डालेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी जो है यहाँ पर थोड़ा ये मिट्टी सोगी नहीं होना चाहिए। और मैं एक चीज़ आप लोगों को और दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने जो है इसको एक दिन पानी नहीं डाला था। तो गर्मियों में अगर आप इसको पानी नहीं डालेंगे तो इस तरीके से जो फ्लावर बड्स है वो सूख जाएंगे, और फिर जो है आपके फ्रूटिंग नहीं होगी। जो भी फ्लावर बड्स है वो सूखने लगेंगी इस तरह से, मेरे देखिए दो फ्लावर बड्स सूख चुके हैं। तो आप इसी तरह से इसको जो है गर्मियों में रोज़ाना पानी डालिएगा, और इस तरह से अगर कोई भी सूखी बर्ड्स या पत्ती है तो उसको आपको निकाल देना है, क्योंकि अगर वो पौधे में रह जाता है तो फिर ये प्लांट की एनर्जी खींचती रहती है, इसका जो है एनर्जी ये सूखी पत्तियाँ खींचती रहती है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए मेरे पौधे में एक भी सूखे पत्ते नहीं हैं। और अगर हो सके तो जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना नीचे, एकदम पुराने वाले पत्ते होते हैं, उनको आप निकालते रहें, नहीं तो क्या होता है इसमें जो है फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो देखिए ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी प्लांट है। इस तरह के खूबसूरत स्ट्रॉबेरीज आप अपने घर में बहुत ही आसानी से खा सकते हैं लगा करके, उगा करके। लेकिन आपको बस इतनी ही कुछ चीज़ों की ध्यान रखनी है कि अगर सर्दियों में आप इसको लगा रहे हैं तो सर्दियों में आप इसको
फुल सन में रख सकते हैं, बट गर्मियों में आप इसको शेडी एरिया में रखिए, बट ऐसा एरिया में मत रखिए कि इसको बिल्कुल भी धूप ना मिले। इसको सुबह या शाम की जो है आधे घंटे या एक घंटे की हल्की धूप मिले ऐसे जगह पर इसको रखिए। तो देखिए मेरे जो है स्ट्रॉबेरी के पौधे कितने खूबसूरत है, सभी पौधों में फ्रूटिंग हो रही है। देखिए ये इसकी फ्रूट भी बहुत बड़ी है, इसकी साइज़ देखिए। तो इसमें भी जो है जैसे ही ये पकते हैं मैं आप लोगों को फिर से दिखाऊंगी, और इसमें भी देखिए फ्रूटिंग हो रही है। और अगर आप लोग गर्मियों में यानी कि अप्रैल में जून ऐसे समय में अगर आप लोगों को स्ट्रॉबेरी का आनंद उठाना है तो आप ये जो दार्जिलिंग वैरायटी है इसको ला कर के आप लगा सकते हैं। देखिए इसकी पत्तियां भी काफ़ी बड़ी है, और हो सकता है कि मुझे बाद में इसको बड़ी सी थोड़ी सी बड़े साइज के पॉट में रिपोर्ट करना पड़े। आप देख सकते हैं पॉट में दिखाती हूँ, देखिए बहुत ही छोटी सी पॉट में ये लगी हुई है। तो ऐसी बात नहीं है कि आपको इसको बहुत बड़ी पॉट में उगाना है, बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो सॉइल बना रहे हैं सॉइल मिक्सचर वो अच्छी हो, उसमें आप वर्मी कंपोस्ट भी अच्छे मात्रा में आप डालें। मैंने इसमें जो सॉइल मैंने बनाया है इसमें मैंने जो है वर्मी कंपोस्ट 50% मिलाया हुआ है, और जब से मैंने इसको लगाया है उसके बाद से मैंने इसको फिर से कभी भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। और वर्मी कंपोस्ट के अलावा मैं इसको सी वीट देती हूँ जिसे जाइम कहते हैं, वो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, उसके अलावा मैं इसमें कुछ भी नहीं डालती। और ये देखिए दोस्तों पूरे वीडियो में जो है जो शोर मचा रही थी वो ये है मेरी प्यारी सी छोटी सी बुलबुल, और ये मुझे जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ बालकनी में आकर के तो ये मुझे तंग करती रहती है। बुलबुल हेलो हेलो, तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को मेरी वीडियो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। आप लोगों ने मेरे वीडियो को अंत तक देखा इसलिए आप लोगों को थैंक यू सो मच, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों मैंने देखा है कि जितने भी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उसमें से जो है 80% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग हेल्प नहीं करेंगे तो हम लोग भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।